हेलो स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइक्रोबिल कॉन्सेप्ट्स में तो आज हम बात करेंगे कल्चर मीडिया के बारे में तो मेन पॉइंट है ये जो कि है प्रिपेयर कैसे किया जाता है कल्चर मीडिया ओके तो ये वीडियो जो है ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जो नए हैं माइक्रोबायोलॉजी में या फिर उन लोगों के लिए रेफर करने के लिए है जो माइक्रोबायोलॉजी को नहीं जानते क्या सब्जेक्ट है कैसे हैंडल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैसे ग्रो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो उनके लिए ये वीडियो हिंदी में मैं बना रही हूँ ताकि अगर आपको कुछ काम करना है आपके किसी एक्सपेरिमेंट रिसर्च वर्क में आपको थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी का काम करना है तो आप इजीली कर सको ठीक है तो आज हम जानेंगे कि कैसे कल्चर मीडिया बनाते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कल्चर मीडिया किसे बोलते हैं तो कल्चर मीडिया क्या है कल्चर मीडिया एक मिक्सचर है कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स का अभी यानी क्या क्या आता है जैसे हो गया मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स ओके इन सब का एक मिक्सचर है एंड कुछ अदर सब्सटेंसेस अभी अदर सब्सटेंसेस में क्या क्या आ सकता है मान लो कुछ मेटल uh, है तो मेटल का पाउडर आ गया या फिर एंटीबायोटिक है तो ये आ गया अदर सब्सटेंसेस में ये हर एक मीडिया में लगते ही है ऐसा नहीं है लेकिन कुछ मीडिया में लगते हैं क्योंकि कुछ बैक्टीरिया है जे जो जब एंटीबायोटिक प्रेजेंट हो तभी ग्रो करेंगे ओके तो हर एक बैक्टीरिया का एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है वो हमें देना पड़ता है प्रोवाइड करना पड़ता है बैक्टीरिया को तो ही बैक्टीरिया ग्रो करता है ओके तो ये हम जो है कल्चर मीडिया में ये सब इंक्लूडेड होता है अभी कल्चर मीडिया मोस्टली तो जो है सारे पाउडर फॉर्म में अभी अवेलेबल है पहले के ज़माने में जब माइक्रोबायोलॉजी बहुत नया था तब बहुत मेहनत करके साइंटिस्ट लोगों को मतलब पोटैटो को बॉयल करो फिर उसका इन्फ्यूजन निकालो ऐसे कर करके उनको मीडिया कल्चर बनाना पड़ता था लेकिन अभी बहुत कमर्शियल कमर्शियली अवेलेबल है बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं कल्चर मीडिया ओके तो मोस्टली जो है डिहाइड्रेटेड पाउडर ही है जो बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है ओके okay? और कुछ मीडिया जो है वो डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं बेचे जाते हैं ठीक है ठीके? लेकिन हम जो है स्टूडेंट्स चाहे कॉलेज हो इंस्टीट्यूट हो हमें स्टोर करना पड़ता है जब चाहे हम यूज कर सके इसलिए हम डिहाइड्रेटेड मीडिया पाउडर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओके okay? तो ये जो है सारे न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस का जो है एक मिक्सचर बना के एक पाउडर बनाया जाता है जो हम वाटर में डिजोल्व करके ऑटोक्लेव करके उसका मीडिया बनाते हैं अभी ये जो मीडिया है ओके okay, ये क्या करता है ग्रोथ को सपोर्ट करता है बैक्टीरिया को ग्रो करने में सपोर्ट करता है इसलिए हम इसे ग्रोथ मीडिया भी बोलते हैं ओके okay? तो अगर आपको कुछ रेफर करना है और आपको कल्चर मीडिया के बदले ग्रोथ मीडिया ये वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज मत होना दोनों का मीनिंग सेम ही है ओके okay? एंड हम किस लिए यूज करते हैं बैक्टीरिया फंगा है फंगा यानी यीस्ट मोल्ड्स दोनों को ग्रो करने के लिए हम कल्चर मीडिया को यूज करते हैं ओके okay? तो अभी ये बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स है जिसमें हम कल्चर मीडिया को यूज कर सकते हैं ओके फॉर एग्जांपल हम कल्चर मीडिया से स्लांट बना सकते हैं जो कि प्रिजर्वेशन में यूज होता है फिर हम उसके स्लंट या फिर डीप बना सकते हैं यानी कि कम स्लंट हो और डीप यानी कि नीचे जो अगार है वो ज़्यादा अवेलेबल हो ओके okay? फिर डीप हो गया जिसमें हम मोटिलिटी का टेस्ट कर सकते हैं ब्रॉथ हो गया सिर्फ टर्बिडिटी देखने के लिए फिर बा, बायोकेमिकल टेस्ट में अगर हमें फर्मेंटेशन देखना है यानी कि गैस प्रोडक्शन है कि नहीं तो हम डरहम्स ट्यूब डाल के बायोकेमिकल टेस्ट में देख सकते हैं एंड प्लेट में हम अगार की प्लेट बनाते हैं जिसमें हम आइसोलेशन करते हैं हमें कॉलोनीज देखनी होती है स्टडी करनी होती है यूज करनी होती है आगे काम के लिए इसलिए हम अगार बनाते हैं प्लेट्स में और प्लेट्स हम यूज करते हैं हैं चलिए तो तो प्रोसीजर जान लेते तो मीडिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मीडिया बॉटल डिहाइड्रेटेड मीडिया बॉटल ओके तो अभी मीडिया बॉटल भी जब आप लेते हो तो आपको क्या क्या चेक करना है आपको डेट ऑफ ओपनिंग डेट ऑफ मैन्युफैक्चर डेट ऑफ एक्सपायरी ये सब चेक करना है ठीक है उसके बाद पर लीटर के हिसाब से कितना मीडिया लेना है ये बॉटल पे लिखा होता है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि अगर आपको 100 ml बनाना है तो आपको कितना मीडिया वे करना है ओके अभी एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना कि हमेशा तीन चार बॉटल स्टॉक में सेम एक ही मीडिया के तीन चार बॉटल स्टॉक में होती है तो कभी भी कोई भी बॉटल उठा के ओपन करके मीडिया बनाना चालू नहीं करना है हमेशा देखना कि कौन सी बॉटल ओपन है जो यूज में है ओके क्योंकि स्टॉक भी मेंटेन करना होता है सही है आप ऐसे कोई भी बॉटल ओपन करके किसी भी बॉटल में से मीडिया बनाओगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क ओके और अगर आप फार्मा में काम कर रहे हो फार्मा इंडस्ट्री में और आप क्यूसी में अगर काम कर रहे तो आपको पता है कि आपको जो ऑलरेडी अप्रूव किया है क्यूसी ने मीडिया उसी को आपको यूज करना है सही है जीपीटी यानी ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट की जाती है क्यूसी में तो उसमें देखा जाता है कि जो बैच नया बैच आया है मीडिया का वो ग्रोथ प्रमोट कर रहा है कि नहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ प्रमोट कर रहा है कि नहीं अगर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप वो बैच मीडिया का जो बैच है उसे आप अप्रूव करते हो और रिलीज करते हो यूज के लिए सही है तो आपको वही बैच यूज करना है जो अप्रूव है जो बॉटल ओपन है यूज में है आपको वही यूज करना है और फार्मा इंडस्ट्री में आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है बहुत अच्छे से आप एक ग्राम भी इधर उधर हो गया तो आपको बताना पड़ता है रीजन देना पड़ता है कि कहाँ आपका वन ग्राम टू ग्राम का डिफरेंस क्यों आ रहा है क्या क्या हो गया मीडिया का ओके अगर फाइव हंड्रेड ग्राम्स की बॉटल है तो आपके स्टॉक मेंटेनेंस के रजिस्टर में वो पूरे फाइव हंड्रेड ग्राम्स का आ, दिखना चाहिए एंट्री कहाँ कब कितना यूज हुआ ओके अभी आपने बॉटल ले लिया आपने चेक कर लिया उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट कब ओपन किया है वो भी डेट लिखा जाता है बॉटल पे तो आपको वो सब देखना है उसके बाद आपको क्या चाहिए आपको चाहिए एनालिटिकल वेइंग बैलेंस ये एनालिटिकल वेइंग बैलेंस ऐसे दिखता है छोटा होता है साइज में और इसके ऊपर आप करीब 200 हंड्रेड ग्राम्स तक आई गेस आप वे कर सकते हो ओके तो आपको क्या क्या चाहिए आपको चाहिए स्पैचुला ये चम्मच की तरह स्पून की तरह दिखता है ओके ये स्पैचुला हम यूज करते हैं मीडिया वे करने के टाइम पे फिर आपको चाहिए पीस ऑफ पेपर अगर आपके पास बटर पेपर है तो वेल एंड गुड नहीं है तो आप जो मैगजीन्स के थोड़े ग्लॉसी पेपर्स जो आते हैं जनरली वो यूज करते हैं नॉट न्यूज पेपर ओके न्यूज पेपर कभी यूज मत करना क्योंकि उसका जो डाई होता है प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं वो शायद आपके मीडिया में आ जाए ओके okay? और बहुत जल्दी गीला भी हो जाता है न्यूज़पेपर इसलिए न्यूज़पेपर यूज ना करें क्या यूज़ करना है बटर पेपर बटर पेपर को आपका मीडिया चिपकेगा भी नहीं बहुत इजीली आप वे कर सकते हो और आपको ट्रांसफर करते समय फ्लास्क में ट्रांसफर करते समय भी आपको प्रॉब्लम नहीं आता ओके okay, तो आपको ये सब यूज करके आपने मीडिया मीडिया को वे करना है जितना क्वांटिटी मीडिया आपको बनाना है फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड एम एल उसके हिसाब से कितना मीडिया चाहिए वो आपको वे करना है पेपर पे अभी आपने पेपर पे वेक कर लिया, अभी क्या करना है आपको खाली फ्लास्क लेना है जो क्लीन है ड्राई किया है वैसे फ्लास्क लेना है और पेपर को फोल्ड करके आपको टिल्ट करके फ्लास्क उसके अंदर सब डालना है ओके okay? स्लोली डालना है आपके फ्लास्क के ग्लास uh, सरफेस को अगर मीडिया चिपक जाए डालते समय तो चलेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको इसी मेथड में डालना है ओके okay? आप अगर सीधा फ्लास्क रखा है और एकदम से आपने मीडिया डाल दिया तो क्या हो जाता है मीडिया सारा उड़ जाता है हवा में और थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है तो आपने क्या अभी टेल्ट करके फ्लास्क आपने केयरफुली मीडिया पाउडर डाल दिया अभी आपको क्या करना है आपको उसी तरह टेल्ट करके फ्लास्क टेल्ट करके जितना आपको मीडियम बनाना है उतना आपको पानी सिलेंड्रिकल मेजरिंग सिलेंड्रिकल से आपको मेजर uh, करके उसके अंदर डालना है तो अभी यहाँ पर भी आप टिल्ट करके डालोगे पानी साइड से डालोगे तो क्या हो जाएगा जो भी मीडिया चिपका है सरफेस पे वो वॉश हो जाएगा और अंदर आ जाएगा ठीक है तो ये होने के बाद क्या करना है हमें मीडिया को प्रॉपरली डिजोल्व करना है अभी अगर फाइन डिहाइड्रेटेड मीडिया पाउडर है तो वो इजीली डिजोल्व हो जाता है लेकिन अगर ग्रैन्युलेटेड मीडिया है तो वो बहुत टाइम लेता है डिजोल्व होने में तो आपको स्टरर की ज़रूरत पड़ सकती है ये थोड़ा डिपेंड करता है आपको स्टरर यूज करना है नहीं यूज करना है ये टाइप ऑफ मीडिया के ऊपर है लेकिन इट्स बेटर कि आप मैग्नेटिक स्टरर यूज करें तो आपका मीडिया पाउडर जो है वो पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा डिजोल्व करने के बाद आपको कॉटन प्लग बनाने हैं अच्छे से और उसको लगा के आपको फ्लास्क को रैप करना है अभी एक और बात यहाँ पे अगर आप सिर्फ ब्रॉथ बना रहे हैं आपको फ्लास्क में इनोकुलेट करना है तो आप फ्लास्क डायरेक्टली ऑटोक्लेव कर लो या फिर आप यही जो मीडिया है ये आप टेस्ट ट्यूब्स में डिस्पेंस कर लो यानी आपने हंड्रेड एम बनाया है मीडिया आ, सपोज न्यूट्रंट ब्रॉथ बनाया है हंड्रेड एम आपको कुछ टेस्ट करने हैं आपको बैक्टीरिया को ग्रो करना है 10 -10 ML के टेस्ट ट्यूब्स डाल दिया तो आपके दस टेस्ट ट्यूब्स बन गए आप डायरेक्टली वो भी ऑटोक्लेव कर सकते हो तो ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेरिमेंट कैसा है आपको किस तरह से मीडिया यूज करना है उसके ऊपर आप डिसाइड करते हो कि आपको मीडिया फ्लास्क में ऑटोक्लेव करना है टेस्ट ट्यूब में ऑटोक्लेव करना है कैसे ओके okay? अगर अगार है यानी आपको प्लेट्स बनाने हैं अगार के या फिर आपको स्लांट बनाने हैं तो आपको क्या करना है आपको स्लांट के लिए भी पहले ही डिस्पेंस करके लेना है और डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब्स जो है वो ऑटोक्लेव करने है. लेकिन अगर प्लेट्स बनाने हैं तो आपको प्लेट्स भी जब आप साइकिल रन करोगे ऑटोक्लेव का तो इसी समय जब आप अगार लगा रहे हो तभी आपको प्लेट्स भी ऑटोक्लेव करने हैं ओके तो अभी हमारा स्टरलाइजेशन हो गया हमने मीडिया बाहर निकाल लिया ऑटोक्लेव से तो क्या करना है ऑटोक्लेव से बाहर निकालने के बाद मीडिया आपको लेके जाना है वर्किंग टेबल पे ओके ट्रांसफर कर लो मीडिया को वर्किंग टेबल पे या फिर अगर बायोसेफ्टी कैबिनेट में काम कर रहे हो लेमिनार एयरफ्लो में काम कर रहे हो तो वहां पे आपको आपका जो मीडिया है वो शिफ्ट करना है उसके बाद अगर ब्रॉथ है तो उसको पूरा कूल डाउन होने दो अगर अगार है तो आपको 45 डिग्री तक अगार को कूल cool करना है उससे नीचे नहीं क्योंकि वो जल्दी सॉलिडिफाई हो, जाए, हो जाएगा अगर ब्रॉथ है तो आप डायरेक्टली इनोकुलेट करके इनक्यूबेट कर लो लेकिन अगर अगार है तो आपको क्या करना है 45 डिग्री तक ही आपको आ, उसको कूल cool करना है और फटाफट से आपको प्लेट्स बनाने हैं ओके पोर प्लेट मेथड यानी आपको मीडिया को पोर करना है और आपको उसको प्लेट्स uh, को जो है डिस्टर्ब नहीं करना है बाजू में रख देना है ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए एक बार सॉलिडिफाई हो गए तो फिर आप उनको यूज कर सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ठीक है तो ये है हमारा वीडियो हमारा टॉपिक आज का यहाँ पे खत्म होता है तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे कल्चर मीडिया को बनाते हैं आपको ऐसे ही अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दो टॉपिक का नाम डाल दो मैं ट्राई करूँगी आपको हेल्प करना चाहे वीडियो वाइवा क्वेश्चन पे हो प्रैक्टिकल पे हो किसी थेरी बेस्ड कंसेप्ट पे हो आई विल ट्राई टू अपलोड अ वीडियो ओके सो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आ गया हो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको समझ में आ जाए ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग